भारतीय कला का इतिहास कक्षा 12वीं। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय कलाकारों की मूर्तियाँ, जिसमें आज का लास्ट टॉपिक है वानश्री। इनके मूर्तिकार हैं मृणालिनी मुखर्जी। माध्यम प्राकृतिक रेशे। समय 1994 ईस्वी। काल आधुनिक समकालीन। तकनीक रस्सी बनाना, गांठ लगाकर बुनाई करना। संग्रह नेचर मोर्टे, नई दिल्ली। तो अब इस मूर्ति का विवरण स्टार्ट होता है, पर विवरण को स्टार्ट करने से पहले आप इस मूर्ति को ध्यानपूर्वक देखिए कि आपको जो इस मूर्ति का विवरण करना है हमें वो आसानी हो जाए करने में। वानश्री एक अद्वितीय कलाकृति है जिसे बहुरंगी रस्सियों में गांठ लगाकर अथवा बुनाई करके तैयार किया गया है। इस तरह की कलाकृति को बनाने में बहुत समय तथा मेहनत लगता है। यह कलाकार की अपनी सोच व निपुणता पर निर्भर है कि वह रेशों को किस तरह उपयोगी बनाता है। सर्वप्रथम हमें प्राकृतिक रेशों का चुनाव करना पड़ता है, चाहे वे रेशे वनस्पति या किसी पशु से लिए गए हो सकते हैं। फिर उन्हें बल देकर विभिन्न मोटाई की रस्सी बनाई जाती है। उसके बाद रस्सी में आवश्यकता अनुसार गांठ लगाई जाती है। उन्हें एक दूसरे में पिरोया जाता है ताकि उपयुक्त आकृति प्राप्त की जा सके। वानश्री को उत्पादन की देवी के रूप में माना जाता है। मुखर्जी एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे भरण पोषण व विकास के लिए अनगिनत वस्तुएं उपलब्ध करवाई हैं। इससे पहले किसी भी अन्य कलाकारों ने अपनी रचनाओं में इस तरह के माध्यम व तकनीक का प्रयोग नहीं किया था। यह कलाकृति नेचर मोर्टे, नई दिल्ली में लटकती हुई अवस्था में लगाई गई है।